सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब नायरा गोइन का हाउस छोड़कर जाने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि कार्तिक की हरकतों से वो पूरी तरह परेशान हो गई है। इस बार नायरा को तब बहुत बुरा लगेगा जब कार्तिक मनीष को अपना पिता कहेगा। दरअसल डॉक्टर के सजेशन के बाद नायरा कार्तिक को ये समझाने की कोशिश करेगी कि ये सर्जरी मनीष के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए सर्जरी के बारे में ज़्यादा सोचकर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन कार्तिक इस सर्जरी के खिलाफ है और इसीलिए वो गुस्से में आकर नायरा से कह देगा कि वो मेरे पापा हैं और मैं अपने पापा का ख्याल रख लूँगा, उनसे जुड़े फैसले ले लूँगा। भाई अब तो कार्तिक की हद हो गई है, वो बार बार नायरा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और ये जताने की कोशिश कर रहा है कि मनीष सिर्फ कार्तिक के ही पापा हैं और नायरा का उनसे कोई रिश्ता नहीं है। इसी बात पर अब नायरा को आएगा कार्तिक पर बहुत गुस्सा। नायरा के सब्र का बांध टूट गया है और अब अपने बर्थडे के दिन वो रोती हुई गोइन का हाउस को छोड़कर चली जाएगी। वो स्वर्णा के साथ साथ सभी घर वालों से कहेगी कि उसने बहुत कोशिश की सबके साथ रुकने की, सारी सिचुएशन को अच्छे से संभालने की, लेकिन अब वो ये सब नहीं सह सकती, कार्तिक के ये ताने नहीं सह सकती और इसीलिए वो घर छोड़कर जा रही है। वेल, अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कार्तिक को अपनी गलतियों का एहसास होगा। वहीं दूसरी ओर कीर्ति कार्तिक पर खूब भड़केगी। वो कहेगी कि कार्तिक मनीष का ख्याल ठीक से नहीं रख पा रहा है और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा तो कीर्ति खुद अपने पापा का ख्याल रख लेगी, उसे कार्तिक की ज़रूरत नहीं है। इसके जवाब पे कार्तिक कीर्ति से कहेगा कि क्या वो सिर्फ तेरे ही पापा हैं, मेरे पापा नहीं। तब जाकर कार्तिक को इस बात का एहसास होगा कि वाकई उसने नायरा से कितनी गलत बात कह दी गुस्से में। तो इंतज़ार रहेगा ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाले इन सभी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखने का। फॉर ऑल द लेटेस्ट सीरियल अपडेट्स, सेलिब्रिटी न्यूज एंड व्यूज, प्लीज सब्सक्राइब सीरियल खबरी एंड हिट द बेल आइकन।